ओम शांति। टी और का बनाते हैं? नहीं ना, क्यों क्यों नहीं बनाते? एक तो इनका जन्माष्टमी बनाते हैं, बहुत श्रेष्ठ। किस दृष्टि से देखते हैं? श्रेष्ठ दृष्टि से। कहते उनके चरित्र कितने श्रेष्ठ थे, उनकी वर्णन करते हैं, उनकी विशेषताएं का वर्णन करते हैं। और दूसरी तरफ क्या दिखा देते हैं कि उनका जन्म कहाँ दिखाते हैं? कारावास में। हाँ, और किसमें दिखाते हैं? वासुदेव और देवकी को किसमें दिखाए? जंजीरों में बंधा हुआ दिखाते हैं। एक तरफ दिखाते इतना श्रेष्ठ देवी देवता रूप में, और दूसरी तरफ कैसा दिखा देते हैं? अब दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। हम सिर्फ मनाते हैं लेकिन उसका भावार्थ नहीं समझते हैं। तो अभी हमें उसका भावार्थ समझकर त्यौहार मनाना है। हाँ, कि कारावास किस चीज़ का? कारावास आज मनुष्य अज्ञानता अंधकार में क्या हुआ है? डूबा हुआ है, विकारों में डूबा हुआ है। ऐसे कारावास में आज हर मानव की प्रवृत्ति चरित्र क्या हुआ है? पतित बन गए हैं ना। और दूसरी तरफ क्या दिखाया है? आठ दरवाजों में ताला लगा हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ। तो बंधन किस चीज़ का? कि आज मनुष्यों का जो जीवन है ना, वो किसी न किसी अनेक प्रकार के बंधनों में क्या है? बंधा हुआ है। बंधा है ना, हद की चीज़ों में बंधा है। और आठ ताला दिखाए, आठ दरवाजे दिखाए, और कहा उसको तोड़ के श्री कृष्ण को क्या किया? बाहर निकालते दिखाया। तो आठ ताला कौन से? एक तो पहला है मन का बंधन है हमारे अंदर, है ना। बहुत सारे विचार हैं, अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं आज मनुष्य। हाँ, दूसरा क्या है? बीमारियों का बंधन है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसका भी बंधन है, है ना। तीसरा किस चीज़ का बंधन है? धन का बंधन है। ज़्यादा है तो भी बंधन है, और नहीं है तो भी बंधन है। चौथा क्या है? प्रकृति का भी बंधन है। क्या सब कुछ है हमारे पास, सारे सुख सुविधाएं हैं, और फिर भी कहीं सुमानी लहरें आ रही हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं। हाँ, तो आज क्या है? प्रकृति का भी बंधन है ना। आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है। अब पांचवा क्या है? हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब का भी बंधन है। बंधन है ना, हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी कर्म खाते जो हैं वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं ना। तो ये हमारा पांचवा बंधन है। छठा बंधन क्या है? संबंधों का भी बंधन है, जन का भी बंधन है। हाँ, हम परिवार में रहते हैं लेकिन कहीं पति का बंधन है, कहीं बच्चों का बंधन है, कहीं परिवार का बंधन है। हाँ, संबंधों का भी बंधन है ना। और कौन सा है? छठ सातवा कौन सा है? हाँ, धर्मों का भी बंधन है, कि अनेक धर्म है। अब समझ में नहीं आता किस धर्म को फॉलो करें और किस धर्म को नहीं करें, तो इसका भी तो बंधन है ना। और आठवां बंधन किस चीज का है? आठवां बंधन है, सबसे बड़ा बंधन मोह का बंधन है। बहुत बड़ा बंधन है ना। चाह कर भी हम उस बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये आठ बंधनों से जब परमात्मा इस धरा पे आकर हमें इस ज्ञान योग के द्वारा, इसलिए श्री कृष्ण को दूसरा नाम क्या दिया है? योगेश्वर। वो ऐसा बने, वो आठ बंधनों को तोड़ा, लेकिन कैसे? योग पावर से। ज्ञान का प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है, परमात्मा की याद का आता है, तो हमारे अंधन के जितने भी बंधन हैं, इस प्रकृति से, शरीर से संबंधित, समाज से संबंधित, संबंधों से संबंधित, तो वो सारे बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो श्री कृष्ण को दिखाए कि आठ तालों से, आठ दरवाजों से क्या किया? निकल आए। फिर क्या दिखाया? कि जब उनका जन्म लिया तो कितना प्रकृति क्या थी? यमुना जो थी वो बड़ी उत्थान में थी। हाँ, उत्थान दिखाना, बहुत भयानक रूप में
बारिश हो रही है, उथल पुथल हो रही है, पांचों प्रकृति विकराल रूप में है, दिखाते ना ऐसा। और जैसे ही श्री कृष्ण के पैर यमुना में पड़ते हैं वैसे ही सब क्या हो जाता है, वैसे ही सारी प्रकृति जो है वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। हमें समझना है, हम मनाते हैं लेकिन उसके रहस्य को समझकर हमें त्यौहार मनाना है। तो वासुदेव कौन, जब देव वास करती हैं, जब देव देव रूपी गुण सतगुणों की जब वास होता है हमारे आत्मा में, तो जितने भी हमारे उथल पुथल पतित पना विकारों की चरम सीमा जो हमारे मन स्थिति में होती है, वो सारी उथल पुथल क्या होती है, जैसे ही देवी गुणों का वास होता हमारी आत्मा में वैसे ही सारे विकार क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, है ना, शांत हो जाते हैं ना। तो वासुदेव को दिखाया कि ऐसा लेके डलिया में गए, फिर दिखाते हैं सागर में अंगूठा चूसता हुआ कौन आया, श्री कृष्ण आया। ऐसा हो सकता है कोई पीपल के पत्ते में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आए? समझना है कि हमारा भारत कैसा था और आज हमारा भारत कैसा है, हा? जो आसपास के जो देश हैं वो बट गए तो हमारे भारत का नक्शा ही क्या हो गया है, चेंज हो गया ना। और जब यही भारत जो विभाजन हो गया जब मिलेगा तो यही भारत हमारा कैसा हो जाएगा, पीपल के पत्ते समान हो जाएगा। और इसी भारत पर श्री कृष्ण जो हैं वो इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, समझा। तो हम मनाते हैं लेकिन उसका भावार्थ भी समझना है, हा? फिर क्या दिखाते हैं, अभी बनाते हैं ना भादो मास में मनाते हैं, घोर अमावस्या चल रही होती, ऐसे घोर अंधकार अज्ञानता विकारों की चरम सीमा, हा? के समय पर श्री कृष्ण का आगमन सिखाने वाला कौन, परमात्मा। जब परमात्मा आकर हमें देवी गुणों से, हा? शक्तियों से गुणों से जब भरपूर करते हैं तब हमारी आत्मा की जो ज्योति है वो कैसी हो जाती है, जल जाती है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्रवंशी सूर्यवंशी में, हा? जहां सूर्य जैसी प्रकाश है, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे प्रकाशमय संसार में जब वो आते हैं तो पूरा संसार ही क्या हो जाता है, संसार ही जगमग हो जाता है। और जन्माष्टमी मनाते, जन्माष्टमी मतलब एक जन्म श्री कृष्ण के नहीं मनाते हैं, आठों जन्म श्री कृष्ण के मनाते हैं हम। और फिर मनाते हैं राम नवमी, राम कहाँ से आए, नवे जन्म में, आठ जन्म, एक जन्म श्री कृष्ण की नहीं मना रहे, आठों जन्म का उत्सव मना रहे हैं। और राम के वंशी कौन दिखाए, राम के पूर्वज कौन दिखाए गए, सूर्यवंशी। कहते ना चंद्रवंशी के जो पूर्वज थे वो कौन थे, सूर्यवंशी। तो सूर्य मीन्स जिसका प्रकाश कभी ना घटता है ना बढ़ता है, ऐसे सूर्यवंशी घराने के। तो हम जन्माष्टमी मनाने का मतलब ये नहीं है कि आरती गा लिया, हाँ कपड़े अच्छे अच्छे पहना दिए, हो गई जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मतलब है कि उनके गुणों को, उनके उनके बोल, उनकी उनके हर चरित्र का दिखाया ना, उनके बोल का दिखाया, चाल का दिखाया है, हाँ। तो ऐसे गुणों को अपने जीवन में हमें क्या करना है, धारण करना है ना। तो इसलिए ऐसी जन्माष्टमी मनानी है, और हमें बनना है, सुनना नहीं है, हमें उनके राज्य में चलने के लिए उनके जैसे सतगुणों को अपने जीवन में धारण करना है, ठीक है। अच्छा जी, ओम शांति।